मध्य प्रदेश के सतना जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां एक शासकीय एम्बुलेंस के चालक ने मृत बच्चे के शव को ले जाने के लिए परिजनों से पैसे वसूल लिए। बता दें कि इस ड्राइवर पर पहले भी अवैध वसूली के आरोप लग चुके हैं। मामला सतना जिले के गांव झिन्ना का है, जहां एक मृत बच्चे के शव को ले जाने के लिए शासकीय एम्बुलेंस के ड्राइवर ने परिजनों से 2500 रुपए की मांग की। इस घटना का वीडियो परिजनों ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि एम्बुलेंस चालक पर पहले भी अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सतना सीएमएचओ ने तुरंत एक्शन लेते हुए ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया और मृतक के परिजनों को पैसे लौटा दिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।